प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर से अवगत कराएंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में बेटा हम आपको बीजगणितीय सूत्र, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसा क्रम जिसमें सभी पदों में क्रमानुसार अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, आगे डॉट 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 यंत्र हो सकता है। अब इसको हम ए वन लिख दिए, ए टू, ए थ्री, ए फोर, आगे श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद पद श्रेणी को हम किससे लिख दिए, ए वन से, ए वन और है क्या ए, श्रेणी का पहला पद ए वन या ए, पहला पद को हम ए से भी इंडिकेट करते हैं, ए हो गया। अब श्रेणी का सार अंतर, सार अंतर, सार अंतर को हम डी से इंडिकेट करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, ए टू माइनस ए वन, मतलब जो दूसरा स्टेप है उसमें से पहले स्टेप को घटा देते हैं। अब यदि कोई हमसे कहते श्रेणी का यनवा पद बताइए, श्रेणी का यनवा पद, तो श्रेणी का यनवा पद क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला पद हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, सार्वांतर जो है वो डी से निगेट करते, ए टू माइनस ए वन हो गया। श्रेणी का यदि यनवा पद हमसे कोई पूछ दे तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। श्रेणी का, श्रेणी के यन पदों का योग, यन पदों के योग को किसे टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एक सूत्र हमारे पास ये हो गया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा सूत्र हो गया एस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन, एक से दस तक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन, एक से दस तक मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन, ये हो गए एक से दस तक हो गए। अब इसमें हम कहें पहला पद क्या है, पहला पद जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं क्या है, वन। अब हमारा हो गया सार्वांतर, सार्वांतर को किसे इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, इसमें क्या मिलेगा सेकेंड टू माइनस वन, कितना प्राप्त होगा वन। टोटल कितना नंबर दिया है, एन बराबर दस। एक सूत्र है हमारे पास, लास्ट वाला सूत्र भी लिखे थे, योग एससीएल इक्वल टू एन पान टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है, दस, दस बटे दो, दो गुणे ए का मान कितना, एक प्लस दस माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, एक। इसको लिख सकते हैं दस बटे दो ब्रैकेट में दो एक कम दो प्लस नौ, दस में से एक गए नौ गुणे एक, दस बटे दो, नौ का एक में गुणा करेंगे नौ प्राप्त होगा, प्लस में टू है जोड़ेंगे नौ दो ग्यारह हो जाएगा, इसको काट दिया जाएगा पांच गुणे
ग्यारह, मतलब बराबर गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, पचपन। तो एक से दस तक के अंकों का योग हमें कितना प्राप्त होगा, पचपन। दूसरा पॉइंट हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा पॉइंट हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें देखिए ए ए डाटा, ए डाट आर का स्क्वायर, ए डाट आर क्यू, ए डाट आर पावर फोर, आगे डॉट डॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आगे डॉट। इसमें क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद जो होता है ए, श्रेणी का प्रथम पद ए, समांतर श्रेणी में साल अंतर होता है और इसमें क्या होता है, साल अनुपात होता है। किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए टू अपान ए वन, ए टू अपान ए वन। अब ए टू अपान ए वन मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को, सॉरी सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप से भाग दे देते हैं। श्रेणी का यनवा पद, यनवा पद मतलब टीएन, टीएन इक्वल टू होता है क्या, ए डॉट आर पावर एन माइनस वन। श्रेणी का यनवा पद अगर सूत्र कोई पूछता है तो आप बताएंगे टीएन इक्वल टू ए डॉट आर पावर एन माइनस वन। अनंत पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग यस इन्फिनिटिव, किसे इंडिकेट करते हैं, यस इन्फिनिटिव, यस इन्फिनिटिव इक्वल टू होता है ए अपान वन माइनस आर। ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद ए, चारवा अनुपात, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप से भाग देते हैं। श्रेणी का यनवा पद जो होता है सूत्र है टी एन इक्वल टू ए डॉट आर पावर एन माइनस वन। यहां आप लिखे अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, सूत्र हमारे पास मिला यस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए अपान वन माइनस आर। आइए इस पर हम लोग एक सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन दिया है कि दिए गए श्रेणी में अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है, वन प्लस वन अपान टू प्लस वन अपान फोर प्लस वन अपान एट प्लस आगे डॉट डॉट डॉट। अब सोल्यूशन देखिए, गुणोत्तर श्रेणी पहला पद ए इक्वल टू कितना है वन, चारवा अनुपात आर इक्वल टू कितना है ए टू अपान ए वन, मतलब ए टू का मान कितना है वन अपान टू अपान वन, भाग देंगे समय मिलेगा कितना वन अपान टू। तो सार अनुपात आर इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया वन अपान टू। अब पहला पद हमारे पास क्या है वन। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अनंत पदों का योग, अभी लास्ट सूत्र बताया आपको यस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपान वन माइनस आर, यस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपान वन माइनस आर। इसमें आप ए और आर का मान रख दीजिए, ए का मान हमारे पास एक और वन माइनस वन अपान टू। अब आप इसका एलसीएम लेके भाग कर दीजिए, वन अपान
2 minus 1 upon 2, 1 upon 1 upon 2, equal to 2 upon 1 equal to 2. आपको अनंत पदों का योग 2 प्राप्त होगा इस क्वेश्चन में. अगला पॉइंट हमारा है क्रम गुणित. अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल. क्रम गुणित फैक्टोरियल. नंबर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे 3 का फैक्टोरियल तो हम लिखते हैं 3.2.1. कभी कभी एक क्रॉस का भी साइन रहता है. इक्वल टू कितना 3 × 2 = 6 एकदम 6. अगर आप 5 का फैक्टोरियल लिखें तो 5 × 4 = 3.2.1 तो 5 × 20 = 60, 60 × 2 = 120, 120 = 1 = 120. दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखिए. तीसरा एग्जाम्पल 5 × 2 = 2 या इसको 3 बना दीजिए 3 × 2. इसको लिख सकते हैं 5.4.3 × 2 3 × 3 से कट गया. इसको लिख सकते हैं 5 × 20. मतलब यदि आपसे कहें 5 × 3 = 20 प्राप्त होगा. अगला पॉइंट हमारा है चर घातांकी प्रमेय. इस प्रमेय के अनुसार चर घातांकी का प्रसार निम्न प्रकार किया जाता है या निम्न प्रकार होता है. e पावर x इक्वल टू 1 + x / 1 का फैक्टोरियल, x² / 2 का फैक्टोरियल, x³/3 का फैक्टोरियल, x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट. जहां e बराबर चर घातांक कहा जाता है. e पावर माइनस x हो इसको लिख सकते हैं 1 − x / 1 का फैक्टोरियल, 1 − x / 1 का फैक्टोरियल प्लस x² / 2 का फैक्टोरियल माइनस x³/3 का फैक्टोरियल, x⁴/4 का फैक्टोरियल फिर माइनस ./. ये e पावर x का मान है और ये e पावर माइनस x का मान है. ये दोनों से मतलब इस प्रकार का इस प्रसार के प्रयोग से e पावर x प्लस e पावर माइनस x इक्वल टू 2 × 1 − x² / 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस ……. जब यहां पे माइनस हो जाएगा प्लस जगह माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 2 = 1 − x / 1 का फैक्टोरियल माइनस x³/3 का फैक्टोरियल x⁴/5 का फैक्टोरियल. ये दोनों फार्मूला आपको प्राप्त हो गए. आइए इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है ई का मान 10 के 5 स्थान तक ज्ञात कीजिए. प्रश्न हमारा क्या है ई का मान 10 के 5 स्थान तक ज्ञात कीजिए.
सोल्यूशन ई पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपान वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फोर अपान फोर का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक फॉर्मूला होता है। पांच स्थान तक ज्ञात करना है हमें, तो हम इसको लिख दिया ई पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपान वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फाइव अपान सॉरी फोर अपान फोर का फैक्टोरियल एक्स पावर फाइव अपान फाइव का फैक्टोरियल एक्स पावर सिक्स अपान सिक्स का फैक्टोरियल। एक्स बराबर वन रखने पर जहां पर भी एक्स है सब जगह वन रख दीजिए। ई पावर वन वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल प्लस वन स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल वन क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल वन पावर फोर अपान फोर का फैक्टोरियल वन पावर फाइव अपान फाइव का फैक्टोरियल प्लस वन पावर सिक्स अपान सिक्स का फैक्टोरियल। आपके पास क्या हुए क्वेश्चन दिया था ई का मान दशमलव के पांच स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो आप फॉर्मूला लिखिए फिर पांच स्थान तक बोला ई पावर सॉरी एक्स पावर सिक्स अपान सिक्स फैक्टोरियल तक लिखिए इसको, फिर एक्स बराबर एक रख दीजिए। जब एक्स बराबर एक रख रहे हैं आप ई पावर वन इक्वल टू वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल प्लस वन स्क्वायर अपान टू का फैक्टोरियल प्लस वन क्यूब अपान थ्री का फैक्टोरियल प्लस वन अपान सॉरी वन पावर फोर अपान फोर का फैक्टोरियल वन पावर फाइव अपान फाइव का फैक्टोरियल वन पावर सिक्स अपान सिक्स का फैक्टोरियल इतना लिख दिया। अब आप लिखेंगे वन ई पावर वन इक्वल टू वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल मतलब वन वन अपान वन प्लस वन स्क्वायर का मतलब वन और टू का फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन तो गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा टू प्राप्त होगा प्लस वन क्यूब मतलब एक गुणे एक असल गुणा करेंगे एक प्राप्त होगा और नीचे थ्री का फैक्टोरियल है तो थ्री डॉट टू डॉट वन हम आपको भी बता दिए सब थ्री डॉट टू डॉट वन तो तीन दूरी छह एक कम छह प्लस एक के पावर चार एक वन पावर फोर तो वन पावर फोर वन और यहां पे चार का फैक्टोरियल है तो चार फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन तो फोर थ्री डॉट वन ट्वेल्व टू डॉट ट्वेंटी फोर मतलब चार तीन बारह बारह दूरी चौबीस चौबीस एक कम चौबीस प्लस एक के पावर फाइव तो आप लिख दीजिएगा वन और फाइव को क्या लिखेंगे आप पांच चौक बीस अब बीस तेईस साठ और साठ उन्नीस एक सौ बीस एक सौ बीस एक कम एक सौ बीस एक सौ बीस प्लस छह का फैक्टोरियल है तो छह छह पंजे तीस तीन चौक बार एक सौ बीस एक सौ बीस लिख दे रहे हैं आपको छह का फैक्टोरियल पांच छह का फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक थोड़ा बड़ा हो गया था तो छह पंजे तीस तीस तीन चौक बार एक सौ बीस एक सौ बीस बात जो भी बातें छत्तीस तीन सौ साठ दूनी सात सौ बीस मतलब और सात सौ बीस एकदम सात सौ बीस तो आप यहां लिख सकते हैं बटे एक बटे सात सौ बीस एक बटे एक है इसको काट करके एक लिख सकते हैं तो वन प्लस वन पॉइंट टू है तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव लिखेंगे प्लस जीरो पॉइंट भाग देने के बाद 0.166 आ गया है ऐसे प्लस 0.4166 प्लस ऐसे आएगा 0.0083 ऐसे देखिए इसको आप भाग दीजिएगा तो 0.5 इसको भाग दीजिएगा कुछ मिलेगा ये भाग देने के बाद मिलेगा ये भाग देने के बाद आप देखिए यहां पे 1 प्लस 1 2 हो गया बाकी सब दशमलव में ही आ रहा है एक अंक के बाद दशमलव गया दशमलव जीरो सब में देखिए जीरो आ रहा है जीरो हो गया या कोई और गिनती है तो वन एट टू थ्री वन एट टू थ्री नियर अबाउट इतना ही आएगा। अब पांच अंक बाद देखिए बाय मिस्टेक लिखा गया ये जीरो नहीं यहां सेवन होगा
तो दशमलव पांच अंक तक के साथ एक आठ दो तीन यही पावर का मतलब ई का मान हो जाएगा। और प्रश्न आपका दिया था ई का मान दशमलव के पांच स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो आपके पास हो गया दशमलव दो दशमलव सात एक आठ दो तीन। हाँ,